नमस्कार, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं न्यूज बीट टीवी हिंदी। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में कोरोना संक्रमित हुए 1 लाख के पार, 3,163 की मौत। कोरोना के कहर के बीच एक और खतरे की घंटी, अम्फान सुपर साइक्लोन में हो चुका है तब्दील, दे सकता है कभी भी 2 राज्यों पर दस्तक। अमित शाह ने दोनों राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल को दिया मदद का भरोसा। कोरोना पूरे विश्व के साथ साथ जहां भारत में भी अपने पैर पसारते चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में एक और खतरे का अलार्म बज उठा है। इस खतरे का नाम है अम्फान। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान ने अब सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया है। खासकर 2 राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसकी जद में है। ईस्ट मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के साथ साथ हुगली, हावड़ा और कोलकाता में यह तबाही का मंजर दिखा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाटिया द्वीप के बीच सुंदरवन डेल्टा पर लैंड करेगा ये सुपर साइक्लोन अम्फान। लैंड करते वक्त इसकी रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तटीय इलाकों में तेज हवाएं हल्के पानी की फुहारों के साथ शुरू हो चुकी है। ज्यादातर इससे नुकसान लंबे पेड़, सड़क किनारे रखी गाड़ियां, फसल, खेती, कच्चे घर, ओवरहेड वायरिंग पोल्स और झुग्गियों को होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस तूफान से आने वाले ज्वार के उठने की ऊंचाई मिदनापुर में 3 से 4 मीटर, वहीं उत्तर और दक्षिण 24 परगना इलाकों में 4 से 6 मीटर तक हो सकती है, जो कि 2 मंजिला इमारत के बराबर है। कोरोना के कहर के बीच भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बीट टीवी हिंदी।